से ब्रीड निकालता हूँ, कुछ बच्चे रखता हूँ, कहाँ इस बच्चे हो रहे हैं। अरे भाई साहब, वीडियोस लेता हूँ, थोड़ा दूर से ही लेता हूँ। फीमेल बच्चा डाल रही है, मुझे पता ही नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल एक्सप्लोर विद जीपी। और फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल के ऊपर, अपने वीडियोस के ऊपर। और बात ये करना चाहता हूं मैं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप सभी को बोलना चाहता हूं कि आपके मेरे 4000 तकरीबन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि यार, हर व्यक्ति, हर इंसान के घर में कम से कम 2 मोबाइल तो होते ही हैं। अगर 2 सब्सक्राइब अगर आप करवाते हैं तो मेरे 10,000 क्रॉस हो जाएंगे ये सारे के सारे सब्सक्राइबर। बहुत एक उम्मीद रहती है जब अपन यूट्यूब चैनल चलाते हैं कि 10,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। लाखों लोगों ने वीडियोस देख लिए लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो हैं एक बार सब्सक्राइब करें इसको, या करवाएँ, अपने ग्रुप्स के अंदर डालें, जितने भी फार्मिंग से रिलेटेड ग्रुप हैं उनके अंदर मेरा वीडियोज़ डालें, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं इसको सब्सक्राइब करेंगे मेरे इस चैनल को। और उनको जो सोजत की ब्रीड चाहिए, जिस किसी भाई को सोजत की ब्रीड चाहिए, तो वो मेरा चैनल जो है सजेस्ट ज़रूर करें। सजेस्ट करने से ही मेरा चैनल भी आगे बढ़ेगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और जेन्युइन पर्सन को जिसको जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा उसको बायर मिलेगा, किसान को भी और ख़रीदने वालों को भी, दोनों को भी। तो कहीं ना कहीं दोनों का फ़ायदा है। तो गाइस, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। और दिखाते हैं, आज कल क्या हुआ कि हमारे फार्म के अंदर 7 से 8 बच्चे आए हैं, किसी भाई को बेचने हैं, तो वो ले जा नहीं सकता था यहाँ से, बारिश की वजह से उसने यहीं रखे हैं। और उसने मेरे को बोला है कि ये बच्चे मेरे को 5,000 तक और इनको बेचने हैं। तो आपको मैं ये बच्चे दिखा देता हूँ गाइस, अगर किसी भाई को पसंद आए तो वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकता है। मैं अपने नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें 3 फीमेल है, बाकी के मेल हैं, टोटल 9 बच्चे हैं। दिखाता हूं मैं आपको, ये वाले बच्चे हैं जो कि सेल के लिए हैं, और पार्टी ने जो है 5,000 रुपये का बोला है, और मेरे फार्म पे ही हैं अभी ये है। हमारे मित्र ही हैं, तो वो क्या है कि यहाँ से लेके जा नहीं पाए, तो उन्होंने हमें बोला है कि इसका वीडियो डालो और अगर कोई जेन्युइन बायर मिलता है तो उसको जो है ये सेल कर देंगे हम। ये बच्चे आप देख सकते हैं, इसमें फीमेल हैं और मेल भी हैं। तो नॉर्मली ये 5,000 रुपये के अंदर सोजत के ये बच्चे हैं। थोड़ी सी केयर आपको करनी पड़ेगी लेके जाने के बाद, खिलाना पिलाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की वजह से और जिसके पास ये बच्चे थे वो केयर नहीं कर पाया। आप कहें तो मैं डायरेक्ट उसी के नंबर भी हैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। 1-2 दिन के लिए ये बच्चे यहीं पर हैं, तो लगा मुझे कि सस्ते बच्चों का एक वीडियो ज़रूर बना देता हूँ। और जिस किसी भी फार्मर के पास बच्चे सेल के लिए हैं वो मुझे कॉल कर सकता है, जैसे ये भाई लेके आए हैं वैसे भी वो मेरे फार्म पे ला सकता है, और जो है सेल आउट होने के बाद उसको जो है पेमेंट भी कर दिया जाएगा, जिससे जेन्युइन बायर भी मिल जाएगा। और मेरे चैनल के थ्रू जो है काफ़ी सारा माल बिका है, तो ये माल भी बिकेगा,
101% जाएगा ही जाएगा। तो जो भी बायर हैं, जो भी लेना चाहते हैं, वो ज़रूर इन बच्चों के लिए कॉल करें। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा केयर आपको करनी पड़ेगी, अभी भी बोल रहा हूँ। सोजत ब्रीड के ये बच्चे हैं, जो भी भाई लेना चाहता है ले सकता है, नहीं तो हम क्या है कि उसको मैंने बोला है कि एक महीने तक इसको अच्छे से केयर करो, क्योंकि बारिश का भी समय है और बच्चे हैं जो 3-3 महीनों के ये बच्चे हैं। कोई भी भाई लेना चाहे तो वो कॉल कर सकता है, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं दे दूंगा, और आप मेरे नंबर पे भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जो भी भाई हैं लेना चाहता है, ये 9 बच्चे हैं सारे के सारे, वो सेल के लिए हैं, इसमें फीमेल है। अब मैं अकेला हूँ तो दिखा नहीं सकता एक एक बच्चे को पकड़ के, तो पूरा वैसे ही वीडियो बना रहा हूँ। सस्ते बच्चों की तलाश है। कोई भी मेरा किसान भाई है, अगर वो अपने बकरियाँ बेचना चाहता है तो वो मेरे फार्म पर ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से जो है वो वीडियो में डाल दूँगा, तो जेन्युइन बायर होगा जो ख़रीद लेगा। आप चाहें तो इसको मेरे साथ ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो, जैसे आज आपने बच्चे ख़रीदे हैं तो एक पार्ट पेमेंट आप कर दीजिए, उसके बाद 5 दिन के अंदर आपको ये बच्चे यहाँ से उठाने होंगे। और जिसके पास भी बेचने के लिए माल है वो मुझे कॉल ज़रूर करें, मैं उन सभी के वीडियोज़ जो हैं डालूँगा, और वो मेरे फार्म पर ला के बेचना चाहें तो भी हम वो भी काम करेंगे। और चलते हैं साथ ही साथ, इसमें जो मेरी बकरियां हैं वो भी मैं दिखा देता हूं। अरे वाह, जंप कर रहा है बच्चा, सुबह सुबह का टाइम है भाई, इनका भी खाना वाना हुआ नहीं है, ऐसे ही पड़ा है जो खा रहे हैं। बाकी की बड़ी बकरियां जो है वो मैंने पहले ही बाहर निकाल दी है। और भाई साहब आ चुके हैं फार्म के बाहर, जो थोड़ी सी बहुत जगह बची हुई है वहाँ पर जो है मेरी बकरियाँ जो है छोड़ी हुई है। तो नॉर्मल फार्म है, इतना ओरिजिनल क्वालिटी में मैं काम नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं अच्छा ब्रीडर लगा के इसी से ब्रीड निकालता हूँ, कुछ बच्चे रखता हूँ। कहाँ इस बच्चे हो रहे हैं, अरे भाई साहब वीडियोस लेता हूँ, थोड़ा दूर से ही लेता हूँ। फीमेल बच्चा डाल रही है, मुझे पता ही नहीं है। गाइस गुलाबी में ये बच्चा हुआ है, वाओ सुपर्ब। पास में जाके मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ बच्चा, बच्चा जिन, ओह माय गॉड सुपर्ब सुपर्ब। अरे बच्चा हो गया हमारे फार्म में, फाइनली वीडियो बनाते बनाते बच्चा हुआ है गाइस, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। और गुलाबी है इसकी माँ, तो बच्चा भी गुलाबी हुआ है। सो फाइनली गाइस 2 बच्चे हुए हैं इनके, दोनों के दोनों गुलाबी हैं, मुंडे बच्चे हैं। तो गुलाबी है, बकरी भी गुलाबी है, जैसे कि गाइस एक्चुअली हेल्दी बच्चे हैं ये, माँ भी पूरी गुलाबी है, तो बच्चे भी अच्छे हुए हैं इनके। और अब बच्चे का जन्म हुए एटलीस्ट 5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, मिल्किंग हो चुकी है इनकी, एक बार हो चुकी है, और अभी ये माँ के पास ही रहेंगे, फिर बाद में जो है इनको अलग कर दिया जाएगा 3-4 दिन बाद, क्योंकि ये फिर दूध पीने के लिए इसको बार बार तंग करेंगे। इसका 2 टाइम दूध रहेगा, सुबह का और शाम का। आई होप गाइस आपको मज़ा आएगा वीडियो में। और वीडियो इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि किसानों के यहाँ पर अभी जो है बारिश का माहौल है, तो बकरियाँ भी परेशान हैं और किसान भी अभी परेशान हैं, तो हमें वीडियो बनाना वहाँ पर उचित भी नहीं लगता, क्योंकि वो खुद ही मूड में नहीं होते और मेरा भी मूड थोड़ा डल हो जाता है, क्योंकि मेरी बकरियाँ होती है और कुछ बीमार हो जाती हैं, तो काफ़ी सारी मुसीबतें हैं। तो 3-4 दिन बाद ये बारिश जो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर बनाते हैं हम वीडियो और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका सभी का धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।